morning students. How are you? Today we start fruits name. क्या करेंगे हम आज फलों के नाम. हम आज फलों के नाम करेंगे. जैसे देखो मेरे हाथ में ये क्या है, कौन सा फल है ये, किसी को पता है क्या है ये, सोच के बताओ. ये हमारे पास है बनाना. क्या है ये, बनाना. बी एन ए, क्या बन गया ये, बनाना. बनाना मीन्स क्या होता है, केला. क्या होता है बनाना मीन्स केला. और ये किस कलर का है, येलो, पीले कलर का. किस कलर का है ये, पीले कलर का. और ये केला खाने से क्या क्या होता है, केला खाने से हमारा वजन बढ़ता है. और अगर बच्चे इनको खाए तो उनका पेट ठीक रहता है, और जब वो खेलते हैं तो उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होती. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फल है. ये वाला फल क्या है, देखो ये है स्ट्रॉबेरी. क्या है ये, स्ट्रॉबेरी. एस टी आर ए डब्ल्यू बी ई डबल आर वाई. क्या बन गया ये, स्ट्रॉबेरी. किस कलर का है ये, रेड कलर का, यानी कि लाल रंग का. किस रंग का है, लाल रंग का. और इसके अंदर जो इसके बीज होते हैं, वो जो इसके ऊपर ये दाने होते हैं, यही इसके बीज होते हैं. और इनको हम इसके बीज के साथ ही खाते हैं, इनको बाहर नहीं निकालते. ये वाला फल हमारा सर्दियों के मौसम में आता है, हम इनको सर्दियों के मौसम में खा सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा ये देखो, ये क्या है, ध्यान से देखो, क्या है ये, अनार. क्या है, अनार. इसको हम क्या बोलेंगे, पोइंग ग्रांटे. क्या बोलेंगे, पोइंग ग्रांटे. पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई. पोइंग ग्रांटे मीन्स अनार. ये किस कलर का होता है, लाल रंग का, रेड कलर का. इसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, और हम उनको खा सकते हैं, उनका जूस भी निकाल सकते हैं, और वो भी पी सकते हैं. और क्या क्या होता है इसके अंदर, इस फल को खाने से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम इसको हर रोज नहीं खा सकते, तो हफ्ते में एक बार हमें ये जरूर खाना चाहिए. ओके बच्चों. इसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पपाया. पपाया मीन्स पपीता. पी ए पी ए वाई ए पपाया. पपाया मीन्स पपीता. पपीते के अंदर क्या होता है, अंदर तो बीज होते हैं, जिनको हम जब पपीता खाते तो बाहर निकाल देते हैं. और इसको ये जो जब ग्रीन कलर का होता है, हम इसको दो बार यूज कर सकते हैं. ग्रीन कलर का होता है जब ये कच्चा होता है, तब हम इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, और पकने के बाद हम इसको फल के रूप में खा सकते हैं. और पपीता खाने से हमारा पेट अच्छा रहता है, इसलिए हमें इसको खाना चाहिए. इसके बाद हमारा अगला फल देखो, फ्रूट्स क्या है ये, ये है मैंगो. ये तो सभी बच्चों को पसंद होगा. एम ए एन जी ओ मैंगो. मैंगो मीन्स आम. आम किस कलर का है ये, येलो कलर का, यानी कि पीले रंग का. और आम क्या होता है, फलों का राजा होता है. और ये गर्मी के मौसम में आता है, और इसको बच्चे खाने के रूप में और इसका जूस बनाने के रूप में बहुत पसंद करते हैं. इसके बाद हमारा ये देखो अगला क्या है, ये फ्रूट्स पियर. पियर मीन्स
नाशपति। क्या होता है पियर में? नाशपति, P-E-A-R, पियर। पियर में नाशपति। इसको भी बच्चे अच्छी प्रकार से खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, और इसको पकने के बाद जो बच्चे खाते हैं तो ये मीठी होती है, बहुत खाने में अच्छी लगती है। इसके बाद हमारा अगला फ्रूट जो है वो ये है, ये देखो ये क्या है, लीची, LYCHEE, लीची। ये देखो ये किस कलर की है? रेड कलर की, रेड कलर की है ना। और जब हम इसका छिलका उतारते हैं तो ये अंदर से किस कलर की दिखती है? वाइट कलर की, यानी कि सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग की, ठीक है। और ये पेड़ पे लगती है, ठीक है। इसके जो पेड़ की डाली होती है ना, ये डालियों के नीचे इसका इतना बड़ा गुच्छा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सफ़ेद कलर है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इतना मोटा एक और बीज भी निकलता है, इसलिए हम इसको, जो ये हमारा सफ़ेद कलर है, सिर्फ इसको खा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला फल जो है वो हम गर्मी के मौसम में खा सकते हैं, जिससे हमें गर्मी में बचाव होता है, लू नहीं लगती। यह फल गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारा ये वाला क्या है, ऑरेंज, O-R-A-N-G-O, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। ये किस कलर का है? ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है, इसीलिए इसको ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज के कारण इसको नारंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारंगी। और ऑरेंज मीन्स संतरा। इसका हम जूस भी निकाल सकते हैं, और इसको वैसे भी खा सकते हैं। ये वाला फल भी बहुत अच्छा होता है। ओके बच्चों, अब है ना, सभी बच्चों ने जो जो फल देखे हैं उनको अच्छी तरह से खाना है। पहले उनको वॉश करना है, उसके बाद खाना है, ठीक है। अगर फल खाओगे तो फल की तरह ही तंदुरुस्त रहोगे।